आज हम बात करेंगे कुछ विशेष जो हमारे जीवन के उद्देश्यों को समझे। आप लोग छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हो। प्लानिंग एक अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में क्या कहेंगे? इंग्लिश में अगर प्लानिंग कहेंगे तो हिंदी में क्या कहेंगे? शुक्र है तुम्हें हिंदी आती तो है, नहीं तो आजकल के बच्चों को पूछो 34 कितना होता है तो कहते वोटे देश। हमारे बच्चे इतनी संस्कृति का सम्मान करते नहीं। तो प्लानिंग मींस योजना। कहते हैं जो व्यक्ति जितनी लंबी प्लानिंग करता है वो उतना ही इंटेलिजेंट होता है। कोई 2-4 साल, अरे साहब बड़ा समझदार है, 4 साल पहले की बात, पहले से योजना करके चल रहा था, और 10 साल वाला, अरे तो बोलो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और विदेश में तो लोग 100-100 साल की योजना, 200-200 साल की योजना के हिसाब से वो सारे मैप तैयार करते हैं। करते हैं कि नहीं? तो वो तो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए इसका मतलब। लेकिन सच क्या है आप सोचिए, जिन प्लानिंग करने से, जिन प्लानिंगों को आप अपने जीवन में करते हो उनका कम और ज्यादा हानि लाभ थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे आपने मोबाइल खरीदा तो प्लानिंग करते हो कौन सी कंपनी का खरीदे, कौन सा ज्यादा अच्छा। आपने कोई गाड़ी खरीदी तो प्लानिंग करते हो कि कौन सी कंपनी की गाड़ी खरीदे जो कम डीजल पेट्रोल में अच्छी माइलेज दे और लुक भी अच्छा हो। टीवी भी खरीदते हो तो प्लानिंग करते हो, दो लोग बैठ कौन सी कंपनी का ले ले भाई। घर बनाते हो तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो प्लानिंग पे प्लानिंग होती है, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, प्लानिंग है। किचन में अगर कुछ करना हो तो माता बहन अपनी प्लानिंग करती है। बच्चों को शादी को कैसे व्यक्ति से करें उसकी प्लानिंग, बच्चे कितने हों ये भी प्लानिंग, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ें ये भी प्लानिंग, बच्चों की शादी कैसे घर में करें ये भी प्लानिंग, ये सब प्लानिंग हम करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर प्लान्ड हाउ टू लिव लाइफ? कभी आपने प्लान किया कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? जवाब दो है? सब लोगों ने कह दिया कमाना सीख लो, तो कमाने में लग गए बिना ये सोचे समझे कि कितना कमाना है, बिना ये सोचे समझे कि कहां तक जाना है, बिना ये सोचे समझे कि इतना कमाने में लग गए हैं तो बाद में जो बचा होगा उसका क्या होगा, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये सारी चीजें जो आपने प्लानिंग की है वो जिंदगी के लिए की है, चाहे वो घर बनाना हो, गाड़ी लेना हो, मोबाइल लेना हो, शादी करना हो, अटरम सटरम बच्चे, बच्चों का स्कूल, शादी उनकी, ये सब जिंदगी के लिए है, जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी के पार्ट है, जीवन के पार्ट है, हिस्सा है, जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। लेकिन जो हिस्से हैं उनके छोटे छोटे ना तो जैसे मोबाइल कौन सी कंपनी का खरीदे, उसमें भी अपने टाइम लगाकर आपने अपनी जिंदगी में प्लानिंग किया। लेकिन जो बहुत कीमती है, जिसके ऊपर ही सब कुछ टिका है, वो जिंदगी, वो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। काहे को ताले बजा रहे हो? प्लानिंग करो तो बजाना। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू संग ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे। एक नाम सुना होगा सिकंदर, बहुत बड़ा पैसे वाला था, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, भारत को भी आसे उसने आके बहुत लूटा। लेकिन मरने से पहले उसे ज्ञान हो गया, बोध हो गया। मुस्लिम संप्रदाय का था तो मरना था तो उसे उसमें जनाजे में जाना था, और मुस्लिम भाइयों का होता है जब जनाजा होगा तो पूरा पैक होगा अंदर बॉडी, जैसे हमारी अर्थी होती है उनका जनाजा होता है।
तो जनाजे को जब लेके जाने लगे तो उन्होंने योजना बना दी थी पहले ही सिकंदर ने, बोले सुनो क्या, बोले तुम जब मैं मरूंगा और मैं मरने के बाद तुम मेरा जनाजा जब निकालोगे तो मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल देना। बोले ये हो नहीं सकता, हमारे मजहब के अगेंस्ट है, हमारे मजहब के अगेंस्ट है, हम ये अगेंस्ट वर्क कैसे करेंगे, हमारे मजहब में तो है कि पूरा पैक करके जाना चाहिए। तो उसने कहा कि अगर दुनिया को कुछ सिखाना है तो कभी कभी मजहब के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। क्या? बोले मैं दुनिया को बताना चाहता हूं जिस पैसे के लिए तुम पूरी जिंदगी दब पर लगा देते हो, देखो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन जा रहा है पर हाथ में चवन्नी भी नहीं है उसके, खाली हाथ जा रहा है। चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि तुम पैसा मत का कमाओ, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ जिंदगी को भी समझो, अपना जीवन ऐसे बर्बाद ना हो जाए कि यहां तुम्हें लोग गालियां दें और ऊपर परमात्मा तुम्हें स्वीकार न करे। इंसान गलतियों का पुतला है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके समझ जाए उसे इंसान कहते हैं। गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हो गई, इट्स फॉल्ट, इट्स ओके, लेकिन एक गलती करके सीखो तो सही, समझो तो सही। तो जिंदगी को कहते हैं ना, जिंदगी को जिंदगी का राज जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। एक शेर अर्ज किया है, कर दूं, आधा तो कर ही दिया है, आधा ही बचा है। जिंदगी को जिंदगी का राज जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का अर्थ गर ना मिले तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी का अर्थ गर मालूम ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अर्थ मीन्स तत्व, रहस्य, महत्व, हाउ टू लिव लाइफ, ये क्वेश्चन जब तक तुम ना जान लो और जानने में असमर्थ हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वाय, क्योंकि जितने दिन रहोगे यहां पर पाप ही करोगे, और पाप करोगे तो ऊपर जाके उतना ही पिटोगे।